सबसे पहले बिल्डिंग का फ्रंट हम देखते हैं, तो ओयो का टाउन हाउस है ये, और जिसे हमने पीजी कन्वर्ट किया है, और ये सर्विस लेन के अंदर है। और सामने ही आपको मिलेगी पार्किंग, जहाँ पे आप अपने फोर व्हीलर खड़ा कर सकते हो, और अगर आपके पास टू व्हीलर है तो वो आपके अंदर भी लग जाएंगे, और सामने भी पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए एक बहुत लग्जरी पीजी लेके आए हैं, जो कि पड़ता है सेक्टर 38 में। नियर बाय जो मार्केट लगती है वो जारसा की मार्केट लगती है, और यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी है। नियर बाय स्टेशन जो रहेगा वो हुड्डा सिटी सेंटर रहेगा। प्रॉपर्टी सर्विस लेन के अंदर है, तो काफ़ी शांत सा इन्वायरमेंट है और काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी है। एक बार अंदर जाके देखते हैं प्रॉपर्टी हमें क्या सर्विस अवेलेबल करवाती है और किस तरह की प्रॉपर्टी है। सो लेट्स गो। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। चारों तरफ रूम है और बीच का एरिया खाली है। प्रॉपर्टी में लिफ्ट भी है, तो ऊपर नीचे जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लिफ्ट के सामने ही सीढ़ियाँ भी है। जब आप फ्लोर पे आते हो तो फ्लोर से आपको इस तरह का कुछ व्यू मिलता है। सामने स्टिकर्स, कूल लग रही है प्रॉपर्टी। और ये है हमारा रूम, प्रॉपर वुडन फ्लोर है, किंग साइज बेड लगा हुआ है, साइड टेबल, इंटरकॉम, आपको कुछ भी फूड या क्लीनिंग के लिए ऑर्डर करना हो। सामने एसी और टाउन हाउस वाली पेंटिंग, साइड लैंप्स और मैट्रेस, प्रॉपर 8-9 इंचेस का मैट्रेस लगा हुआ है। सामने टेबल एंड चेयर, टीवी सेटअप बॉक्स, और रूम में जो रिक्वायरमेंट रहती है एक मिरर की, तो राउंड मिरर दिया गया है। एक कबर्ड जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं बालकनी। तो यहाँ से आपको रोड व्यू आ रहा है। ये रोड है जो कि बख्तावर चौक को कनेक्ट करता है, और बालकनी आपकी प्राइवेट है। सो दिस इज़ प्राइवेट बालकनी, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप अपनी बालकनी में बैठ सकते हो। यहाँ पे बैठ के आप गाड़ियाँ और रोड का व्यू एंजॉय कर सकते हो। चलते हैं दोबारा से अपने रूम की तरफ। कबर्ड में एक स्पेस नीचे है। ये है कबर्ड, थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो एक छोटा सा कबर्ड और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करें वॉशरूम की, तो यहाँ पे वॉश बेसिन या मिरर लगा होता है, लेकिन अभी हटा हुआ है, बट आपको मिल जाएगा। एंड या WC, गीज़र, और ये आपका आ गया वॉशिंग एरिया, जहाँ में आपको कर्टन लगा हुआ है। सामने एग्जॉस्ट, शॉवर का साइज देखो आप कितना बड़ा है, बकेट एंड मग। इस पीजी के टेरेस का व्यू आप देखो, प्रॉपर ग्रास बिछा रखी है और बैम्बो की फेंसिंग कर रखी है। यहाँ पे टेबल और चेयर लग जाते हैं, और काफ़ी सही सा एम्बियंस क्रिएट होता है। ऊपर प्रॉपर लाइटिंग लगा रखी है, सो ये भी एक एडवांटेज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। हम बात करते हैं अब फैसिलिटीज़ के बारे में। तो आपको रूम के साथ साथ मील्स प्रोवाइड होंगी, जो कि वीकडेज में ब्रेकफास्ट और डिनर, और वीकेंड पे आपको तीनों मील्स प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस रहेगा वो शेयरिंग में 10,000 रहेगा, एंड अगर आप सिंगल रुकते हैं तो वो आपको 18,000 कॉस्ट करेगा। बाकी आपने टेरेस देख लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसमें फैसिलिटीज़ में आपको वाईफाई, टीवी सेटअप बॉक्स, गीज़र, एसी सब मिलेगा। वुडन फ्लोर है, बाकी बालकनी हर एक रूम के साथ प्राइवेट है। 9 इंचेस का प्रॉपर मैट्रेस है, टेबल चेयर है, अटैच वॉशरूम है। बाकी बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। आपके रूम के साथ एक सब मीटर अटैच हो जाएगा, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना बिल पे करना है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, या आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मेरे को कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।